बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद तर्शयन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे पास्ता की रेसिपी। ये रेसिपी सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत कम चीज़ों में ये रेसिपी बनती है और घर के कुछ मसालों के साथ। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ हमने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद अब हम मीडियम साइज़ की एक प्याज चॉप की हुई डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे तब तक के प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन चले जाए। और इसी में हम 1 से 2 टमाटर बारीक कटे हुए डाल देंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। तो यहाँ मैंने मैगी का मैजिक मसाला लिया है। ये किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में आपको इजीली मिल जाएगा। इसको हम कट करके पूरा 1 पैकेट इसमें डाल देंगे। सॉल्ट 1 टीस्पून डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्ची, इसको भी मिक्स करेंगे। और यहाँ हम डालेंगे पानी। पानी इसमें डालेंगे 2 ग्लास के करीब। अब हम इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। एक बॉईल आने तक हम इसका वेट करेंगे। तो यहाँ हमने पास्ता लिया है, तकरीबन 1/2 केजी के करीब है। तो यहाँ मैंने इसे 3 कलर्स में लिया है। तो आप देख सकते हैं पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इस पास्ता को इसमें डाल देंगे। पास्ता डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पास्ता डालने के बाद अब हम इसको 1 बॉईल आने तक वेट करेंगे। तो यहाँ 1 बॉईल आ चुका है। अब हम इसको कुकर में 1 विजिल लेंगे। बस ये तैयार है। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही इजी रेसिपी है। आप इसको बच्चों के टिफ़न में भी डाल के दे सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।